अपने आप को इतिहास से जोड़ने वाला माँ ब्रह्मानी देवी का मंदिर बलिया के हनुमानगंज गांव में सदियों से ही हिंदुओं के लिए एक आस्था का केंद्र रहा है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आइए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के हनुमानगंज गांव में। बलिया से जैसे ही आप सिकंदरपुर मार्ग के लिए निकलेंगे, मात्र बलिया से 8 किलोमीटर दूर स्थित हनुमानगंज गांव में यह मंदिर प्राचीन समय से ही विख्यात रहा है। मान्यता है कि सच्चे मन से जिस किसी ने भी इस मंदिर में आकर कुछ मांगा है, उसकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। गंगा व घाघरा के बीच बसे जनपदों में प्राचीन समय से ही पौराणिक स्थानों की भरमार रही है। पुराणों में भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। पुराणों से ही मिलने वाली जानकारी को माने तो हनुमानगंज गांव में ब्रह्माइंड माता के इस मंदिर में यज्ञ में पधारे अपने माता पिता को महर्षि भृगु ने ठहराया था। उस समय बाणासुर नाम के एक राक्षस के आतंक से परेशान होकर माँ भगवती ने अवतार लिया और उसका वध किया। दुर्गा सप्तशती व मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि राजा सूरत कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले थे और उन्हें चोट लग गई थी। उस समय वन में उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के जल को स्पर्श करते ही उनका शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया। उस समय उन्हें आभास हुआ कि यहाँ जरूर कोई दैवीय शक्ति है। सैनिकों को वापस भेज राजा अकेले ही वन में विचरण के लिए निकल गए। आगे जाने के बाद उन्हें महर्षि मेघा का आश्रम दिखाई दिया। महर्षि से आज्ञा लेकर राजा उनके आश्रम में रहने लगे। उसके कुछ ही दिनों के बाद वहां एक समाधि नाम का वैश्य आया। महर्षि की आज्ञा मानकर राजा सूरत और समाधि दोनों मिलकर शक्ति की उपासना करने लगे। लगातार 3 वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद माँ ब्रह्मायणी प्रकट हुई और उन्हें मनोवांछित फल देकर अभिलाषित किया। राजा सूरत की तपोस्थली सुराहा के नाम से विख्यात हुई, जो वर्तमान में सुराहा ताल के नाम से जाना जाता है, और उसी सुराहा ताल से निकलने वाला नाला कष्टहर नाला, जो वर्तमान में कटहल नाला के नाम से विख्यात है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद राजा सूरत ने माँ वीरणी और ब्रह्मायणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में भी कोई ऐसा स्थान है जिसके ऊपर वीडियो बने, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमें पूरी जानकारी दे सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।